मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको टेंस बताऊंगा और टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हो, वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। था, थे, थी यानी ऐसे शब्द जिनको पढ़ने से हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये काम हो चुका है, यानी भूतकाल की ही इसमें बातें रखती हैं। इसके पहले की वीडियो है, मैंने आपको पास्ट टेंस बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मैंने अफर्मेटिव बताया था। आज मैं अफर्मेटिव नहीं बल्कि नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। इस नेगेटिव सेंटेंस में मैंने ये भी बताया था कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी इसमें ना, नहीं, कभी नहीं ऐसे शब्द आते हैं। तो ना वाले का कैसे बनाते हैं, कभी नहीं वाले का कैसे बनाते हैं, सबका अलग अलग ढंग है। और उसमें हम डिड का यूज कहाँ कैसे करते हैं और इसमें जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन सभी में सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म लगती, कहीं पे सेकंड। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस सिंपल, जिसमें ना या नहीं शब्द आता है। जैसे अब इसको बनाने का ढंग होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट लगाते हैं क्योंकि डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट का यूज होता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, वैसे सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट टेंस में, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट बस। और अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आज पिताजी दफ्तर नहीं गए, तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले फादर, अब इसके बाद डिड नॉट है, पहले सब्जेक्ट लगा लिया फादर, अब इसके बाद डिड नॉट, अब गए, फादर डिड नॉट गो, कहां गए, टू ऑफिस। अब आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई गो का, गो ही जाने की क्या होती, गो, इसलिए गो को हमने गो ही रखा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है। तो फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस, ये तो आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन नेगेटिव में कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं कि उसमें ना या नहीं नहीं आता है, बल्कि कभी नहीं आता है। कभी नहीं की स्पेलिंग होती है नेवर। अब अगर कभी नहीं वाला वर्ड आ जाता है, उसका सेंटेंस किस प्रकार का हो सकता है कि जैसे हमने सफेद हाथी कभी नहीं देखा, तो इसको बनाने का ढंग क्या है। इसको बनाने का ढंग होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद नेवर, जैसे इसमें डिड नॉट लगाते थे, इसमें हम डिड नॉट नहीं बल्कि नेवर ही लगाएंगे। और जब नेवर लगाएंगे तो हमारी फॉर्म फर्स्ट नहीं होगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि नेवर जो है फॉर्म को कोई इफेक्ट नहीं डालता है, सेकंड फॉर्म ही आएगी, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने सफेद हाथी कभी नहीं देखा, तो सब्जेक्ट हो गया सबसे पहले वी। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है नेवर, वी नेवर, अब इसके बाद सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किसकी, देखने की, देखने की सी होती है लेकिन सेकंड फॉर्म सा हो जाएगी। अब क्या नहीं देखा है, व्हाइट एलिफेंट यानी सफेद हाथी। वी नेवर सा
वाइट एलिफेंट, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में एक अलग तरीके का सेंटेंस आता है कि जैसे आज पिताजी दफ्तर नहीं जा सके, या हमने कभी भी सफेद हाथी हम कभी भी सफेद हाथी नहीं देख सके, या माली फूल नहीं तोड़ सका। इन ये तीन सेंटेंस मैंने बताया, तीनों में आपने देखा होगा सका शब्द आया है। अगर सका शब्द आता है तो उसका हम कैसे यूज करते हैं, उसको किस क्रम में बनाते हैं? इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर ना तो नेवर लगाते हैं ना डिड नॉट लगाते हैं, यहाँ पे कुड नॉट लगाते हैं। और इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फिर फर्स्ट फॉर्म ही आ जाती है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब इसको हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि माली फूल नहीं तोड़ सका। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माली, गार्डनर। अब इसके बाद कुड नॉट, अब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म किसकी आएगी? तोड़ने की, तोड़ने की प्लक होती तो प्लक भी रहेगी। अब क्या नहीं तोड़ सकता? फ्लावर फूल। इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हमारी समझ से आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी और भी एक्सरसाइज करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।